वेलकम दोस्तों, जाहुल भाई केयर में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों हमारे पास आई है R15 वर्जन 4। ये देखिए पहले इसकी लुक वाइज देखिए, बहुत प्यारी बाइक है भाई। इसकी हम सेकंड सर्विस करेंगे भाई, और बहुत ही प्यारा मॉडल है भाई। किस किस की R15 फेवरेट है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इसकी भाई फुल वीट डालेंगे भाई 7120W50, क्योंकि बाइक ये बहुत लंबी चलती है भैया। इसे 5-5, 6-6 सौ किलोमीटर ले जाते हैं एक ही सांस पे, क्योंकि भैया राइडिंग का काम में घूमते रहते हो, तो इसलिए मैं 20-50 डालूंगा इसमें, ताकि गाड़ी गर्म होनी भी चाहे तो गर्म नहीं हो पाएगी इससे 20-50 से। और फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल, आप इस ऑयल को कम से कम 4000-5000 किलोमीटर तक बिल्कुल आराम से चला सकते हो। भैया ने पहले यामा लूप डलवाया था, उनमें मज़ा नहीं आया। भैया कह रहे भाई मुझे मोटुल 20-50 डलवाना है, तो हम 20-50 डालेंगे मोटुल। और भाई जिसकी MRP 840 रुपये, आप देख सकते हो। मोटुल का ऑयल डालने से पहले दोस्तों हम इंजन फ्लैश यूज करेंगे इसमें। इंजन सैम्बू कैस्ट्रोल का है ये, और इसकी MRP दोस्तों 150 है, 150 रुपये MRP है। इसको कैसे यूज करते हैं हम पूरी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। पहले हमें इस इंजन ऑयल नहीं निकालना है, इसको डालना है, और कम से भी कम 5 मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट रखना है। वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से इसको यूज किया जाता है, और फिर जब इसको गर्म हो जाएगी गाड़ी 5 मिनट, उसके बाद इंजन ऑयल निकाल देंगे सारा, ठीक है। फिर इंजन ऑयल को नया डालेंगे और ऑयल फिल्टर पूरी वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों पहले हम जो ऑयल गेज है उसको खोलेंगे, और फिर इसको ओपन करेंगे, इसको निकालो। इसको यूज करने का तरीका, इंजन शैम्पू को हाँ डाल दो इसको, हाँ आराम से बिखरे ना, बिल्कुल तसल्ली से काम करो एकदम। सारा डाल दो, ये भाई सारा डलेगा एक ही बार में, ठीक है। अब ऑयल गेज लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए ऑयल गेज हमने लगा दिया, बस बस प्लास्टिक टाइट मत करो। अब चाबी को ऑन करेंगे और बाइक को करेंगे स्टार्ट। तो बाइक स्टार्ट हो गई है। अब इसमें हम दोनों काम कर लेंगे, इसमें ये भी चेक कर लेंगे कि फ्यूल लीक तो नहीं हो रहा कहीं से, बिल्कुल ओके है। और हमने इंजन शैम्पू इसमें डाल दिया है, बिल्कुल 5 मिनट तक भाई हमें गाड़ी स्टार्ट रखनी है। 5 मिनट में हमारा इंजन गर्म हो जाएगा, जितना भी है सब मिक्स हो जाएगा। और उसमें हम क्या करेंगे, इस दौरान अगर हमारे पास स्टैंड है देखो दोस्तों ऐसा, जिससे कि हमारा पहिया फ्री घूम सके, तो भाई इसमें हम सारे गियर की गरारियों को घुमा देंगे, सारे 5 गियर डाल के। गियर डालो उसे, गियर 5 गियर डाल दो, 5-6 गियर जितने भी सब डाल दो भाई, इससे हमारी सारी गरारियाँ चल जाएंगी, बिल्कुल साफ हो जाएंगी अच्छे से अंदर से, ठीक है। ये व्हील लोगों, व्हील घूम रहा ना, बस एक बार गियर बक्से को घुमा दो सारे गियरों में। अब न्यूट्रल कर दो भैया गाड़ी को, ये देखिए अब न्यूट्रल कर दी। 5 मिनट तक गाड़ी को स्टार्ट लेने दो, फिर हम इसका इंजन ऑयल निकालेंगे, इंजन का जो बोल्ट है उसको ओपन करेंगे, और फिर आपको दिखाते। 5 मिनट तक भाई गाड़ी हमें स्टार्ट रखनी होगी। ये दोस्तों इसमें हमें ऑयल बोल्ट ओपन करना है, उसके लिए हमें 19 की गोटी हैंडल लेना होगा, ठीक है। अब इसका हम ऑयल निकालेंगे, 5 मिनट हमने गाड़ी स्टार्ट रखी बाइक, और कंडीशन देखेंगे भाई ऑयल की क्या कंडीशन है। ड्रिम नट को खोल ले वो, ये देखिए भाई, ये देखो क्या हाल हुआ पड़ा है इंजन ऑयल का। ये यामा लूप का ऑयल है, भैया कह रहे थे मुझे मज़ा आया ही नहीं, मैं 2000 किलोमीटर पे सर्विस कर रहा हूँ, 2000 पे भैया देखो ऑयल की क्या कंडीशन हो गई, क्योंकि भैया लंबी लंबी राइड पर जाते हैं ना। अब इसमें एक स्प्रिंग है, और इसका एक फिल्टर होगा जाली, ये देखो भाई, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, ये जाली इतनी मददगार है, बहुत ही मददगार जाली है इंजन सप्लाई करने में। जितना भी डस्ट पार्ट होता है, जो अंदर कचरा हो जाता है हल्का पुल्का, ये सब इसमें लॉक हो जाता है, चिपक जाता है। और इसको पेट्रोल से अच्छे से धोंगे, ये हमारा ऑयल बोल्ट है, ऑयल बोल्ट की कंडीशन देख लो बिल्कुल ख़राब हुई है। इसको भी अच्छे से धोंगे और हल्का बॉन्ड करेंगे, और करेंगे इसको फिटिंग। अब हमें क्या करना है, इसके 8 नंबर के 3 बोल्ट खोलेंगे, और जो इसका ऑयल फिल्टर है उसको चेंज करेंगे। ऑयल फिल्टर देना वहाँ से, हाँ ये देखिए दोस्तों, इसका ऑयल फिल्टर की MRP है 247 रुपये। भाई मुझे महंगा लगा थोड़ा इसका ऑयल फिल्टर, इस हिसाब से है नहीं इतने का ये, लेकिन भाई जेनवन डालना है, दिक्कत ये है। हाँ जेनवन डालना है, डालना है चाहे कितने का भी आवे ऑयल फिल्टर भैया, लोकल से तो बेहतर है। देखो अगर हम लोकल डालेंगे ना
लोकल में क्या होता भाई, जाली वाली इसकी फट जाती है, गत्ता जो होता है ना। देखो इसकी ऑयल फिल्टर की कंडीशन देखेंगे कैसी है, उसके लिए हमें 3 बोल्ट खोलने होंगे 8 की T से। ये देखो इसका ऑयल फिल्टर हमने ओपन कर लिया है, ये इसका ऑयल फिल्टर है। ऑयल फिल्टर भी बिल्कुल भाई हर सर्विस पे इसको नया डलवाया नहीं, जितना भी इंजन की लाइफ बढ़ानी है ना आपको, तो ऑयल फिल्टर को तो 100% आपको नया डलवाना है हर सर्विस पे, ठीक है। अब इसको देखो इसमें डाल दो, इसको कपड़े से अच्छे से वॉश करेंगे और इसको ऑयल गेज को खोलो। हाँ गाड़ी स्टार्ट कर दो एक बार, ऐसी यहाँ उंगली लगा लो, चलो स्टार्ट कर दो, सारे निकल जाएगा। हल्की से स्टार्ट कर दो, जो हेड में तेल रुक जाता है ना दोस्तों, गाड़ी को ज़्यादा स्टार्ट नहीं करना भाई, अन्य इंजन भी सीज हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के लिए, बस 10 सेकंड के लिए हम गाड़ी को बिना एक्सीलेटर के स्टार्ट कर सकते हैं, उससे क्या सारा जो हल्का फुल्का ऑयल सारा निकल जाएगा वो, ठीक है। या आप इसमें एयर भी मार सकते हो भाई, गाड़ी को बंद कर दो। वेरी गुड, देखिए अब इसको कपड़े से साफ़ करो अच्छे से, बिल्कुल चमका दो बढ़िया करके। ये बिल्कुल अच्छे से साफ करो, यहाँ से भी साफ करो, इसको अच्छे से साफ करो एकदम मस्त से। हाँ बढ़िया से साफ करो एकदम, हम इस पे पेट्रोल यूज नहीं करेंगे भाई बिल्कुल भी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिया है हमने, अब इसके ऑयल बोल्ट और जो जाली होती है इसमें स्प्रिंग, उसको धो वॉश करके और फिर फिटिंग कर दें। इंजन ऑयल देना हो रहा, इंजन ऑयल दोस्तों, इसमें हम जो मोटुल का इंजन ऑयल यूज करेंगे 20W50। अब इसमें हम दोस्तों ऑयल फिल्टर न्यू डालेंगे, ठीक है। ये रहा ये ऑयल फिल्टर, देखो दोस्तों ऐसे लगता है, इधर से बंद है इधर से ओपन है, ये जो बंद वाला हिस्सा है ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारा ऑयल फिल्टर लग चुका है, देखो हाँ ठीक है। ये देखिए ऑयल फिल्टर का कवर हमने लगा दिया है, जो हमारा लंबा बोल्ट है ना वो इधर लगेगा, ठीक है। ये लंबा बोल्ट है और जो दो छोटे छोटे यहाँ लगेंगे वो, ये बिल्कुल दिल से सर्विस कर रहे हैं हम इस गाड़ी की भाई, और जो भी प्रॉब्लम है सर्विस में सब सामने आ जाएगी। अब इन तीनों बोल्टों को आमने सामने टाइट करेंगे ऑयल फिल्टर के, वो भाई ज़्यादा ताकत से टाइट ना करें, जो चैम्बर के बोल्ट होते हैं ना उनको ज़्यादा ताकत से टाइट ना करें, आमने सामने टाइट करो। वेरी गुड, हाँ ज़्यादा ताकत से टाइट ना करो, वेरी गुड। अब इसका ऑयल वोल्ट लगाएंगे दोस्तों और इंजन ऑयल पवाएंगे इसमें। तो दोस्तों इसमें मोटर का इंजन ऑयल पवाएंगे हम, खोलिए, इसमें डबल सील होती है, यहाँ रख के खोलिए ना, वेरी गुड भाई, मुझे बहुत बेस्ट इंजन ऑयल लगता है इसमें। देखो दोस्तों एक सील और अंदर होती है नहीं, इस सील को भी निकालेंगे, वेरी गुड। अब इसको ला लो ऑयल की लगा के, ऑयल को डालेंगे, ये देखिए भाई ऑयल कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल रेड ऑयल होता है ये, वो फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल, फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने का भाई ये फ़ायदा है। आप गाड़ी 4,000-5,000 किलोमीटर चला लो, आपका जो ऑयल टॉपअप है वो कम नहीं होगा, इंजन ऑयल जब आप सर्विस कराओगे पूरा निकलेगा जितना आप डालोगे। नॉर्मल इंजन ऑयल डालोगे तो भाई गाड़ी हीट हो गए वो फूक जाता है इंजन ऑयल, ठीक है। फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल है मोटुल 7100, ठीक है। ऑयल हमने डाल दिया है इसमें। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमारी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।